अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हू आर यू, वेलकम यू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। 4D के सिलसिले में बेटा आज हाफ बुक का टेस्ट है, जो कि टेस्ट नंबर 5 था, और इसमें 1 to 7 चैप्टर जो है वो थे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा MCQs पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट MCQs जो है उसका आंसर चार्ली है, सेकेंड जो है उसका आंसर डेल्टा, थर्ड का आंसर चार्ली, फोर्थ का एल्फा, फिफ्थ का चार्ली, सिक्स का अल्फा, सेवन का चार्ली, एट का चार्ली, नाइन्थ बीटा और टेंथ जो है वो चार्ली, अलेवेंथ बीटा, ट्वेल्थ अल्फा, थर्टीन जो है डेल्टा, फोर्टीन चार्ली, फिफ्टीन चार्ली, सिक्सटीन डेल्टा और सेवनटीन बीटा। तो ये थे हमारे MCQs बेटा। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा। एक तो इसमें नंबर जो होते हैं वो हाफ हाफ नंबर एग्जाम में काट लेते हैं, तो इसलिए अगर आपको डिफ्रेंसिएशन, कंपैरिजन या कोई दो चीज़ें पूछी गई हैं तो उनको आप अलहदा अलहदा लिखें। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर दें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो पहले आप रिवर्सिबल जो है वो लिखें इनहिबिटर्स, फिर उसकी आप बताएं कि ये वीक लिंकेज बनाते हैं, यूटिलाइज हो सकते हैं और इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और फिर इसकी टाइप्स बयान करें। फिर उसके बाद इरिवर्सिबल इनहिबिटर है वो आप लिखें, फिर आप कहें कि ये ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से ये परमानेंटली लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट्स को, तो ये आप बताएंगे। ऐसे व्हाट आर द इनहिबिटर, इनहिबिटर की डेफिनेशन लिखें और फिर उसकी एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल में आप देखें एन एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तो जैसे आप की बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पॉइजनस लाइक साइनॉइड है, एंटीबायोटिक है, मेटाबोलाइट्स हैं और ड्रग्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ईमेल फिशर जो है उसने लॉक एंड की मॉडल दिया कि जिसमें जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करते हैं तो उस सूरत में जो सबस्ट्रेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू वन स्पेसिफिक जो की है वो स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है। सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। इंड्यूस फिट में आपने तो उसका बताना है फोर्शलैंड का कि उसने ये मॉडल पेश किया, उसने कहा कि जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो फिर उस सूरत में एंजाइम के अंदर वो चेंजेस लेके आता है जो कि उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपने उसको बताना, ऐसे ही एक्टिव साइट की डेफिनेशन बतानी है और फिर दो उसकी जो सब साइट्स हैं या डेफिनेट जो साइट रीजन हैं उसमें जिसमें कैटालिक साइट है और बाइंडिंग साइट है उनको आपने एक्सप्लेन करना है। फोर करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम हाफ हाफ नंबर के हैं, पेप्सिन और पेप्सिनोजन। पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है, पेप्सिनोजन जो है ये सेक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और फिर आप ये भी बता दें कि ये एक्टिव कैसे होता है। एंजाइम और कोएंजाइम का फर्क आपने बताना, एंजाइम की डेफिनेशन लिखें और फिर कोएंजाइम की डेफिनेशन लिखें कि वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, लूजली अटैच है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड है। एक एग्जाम्पल ATP आप दे दें, जब दूसरी कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आप इसकी लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला लिखना है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बायोकेमिस्ट्री का जानना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से कैप्सिड जो है वो कैसे बनता है, आपको पता है कैप्सोमर्स जो है वो मिल के कैप्सिड बनाते हैं, वो आपने बताना है। और फिर आपने ये बताना है कि जो कैप्सिड है इसमें हर्पीस वायरस जो है उसमें कितने जो है वो हैं, 162 हैं, तो ये आप याद करना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है कि जो रिवर्स करता है यानी कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एंजाइम का रोल बताना है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पेलियोमक्स जाइंट जो
अमीबा है वो आपने बताना है, उसके फीचर्स आपने बताने हैं, उसमें जो मल्टी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है उसमें प्रेजेंट है तो उसकी बेस के ऊपर, प्लस उसमें और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर मैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कि उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये मड जो है उसमें प्रेजेंट होता है, तो इस तरह की बातें उसमें मतलब। ट्राइको और निम्फ जो है ये आपने इसके मतलब जो है वो लिखना है कि ट्राइको निम्फ जो है इसमें मैनीफ्लैजिलेट जो है उससे ये तलक रखता है और ये सिम्बियोंट एसोसिएशन क्रिएट करता है टर्माइट्स के साथ और फिर उसका फंक्शन आपने बताना है कि ये उसको वुड जो है उसको डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही सीलिएट के दो करेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रैक्टाइल वेट सीलिया की प्रेजेंस जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं और उसके साथ साथ सीलिएट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप उसके मतलब उस वो आप बता सकते हैं या फिर आप सीलिएट जो हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है रेगुलेशन ऑफ वाटर के लिए या इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस है कि वो माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस इसमें होते हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैल्फ जो है ब्राउन एल्जी से तलक रखता है ये आपने बताना और सोर्स ऑफ फूड है और सबसे बड़ा जो है वो मेम्बर है ये ब्राउन एल्जी का और इसको हम फूड के तौर पर और इसमें लीफ लाइक ब्लेड ब्लेड होता है स्टेम लाइक जो है स्टाइप इसमें है रूट लाइक जो है वो बहुत फास्ट होता है तो वो आप इसमें बताएंगे। ग्रीन एल्जी और प्लांट जो है वो आइडेंटिकल हैं वो किस तरीके से होते हैं तो ग्रीन एल्जी और प्लांट आइडेंटिकल कैसे हैं तो उसमें प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट सेल वॉल जिसमें सेलुलोज होता है और फिर उसके बाद सबसे अहम बात जो उसमें आपने बतानी है कि आरएनए सीक्वेंसिंग जब की गई तो उसने इंडिकेट किया कि ग्रीन प्लांट ग्रीन एल्जी और प्लांट्स जो हैं वो मोनोफिलेटिक लाइनेज से अलग रहते हैं इसलिए ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं। ये आपने चार पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं। फोर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एल्जी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है एल्जी की देन वाटर मोल्ड और ये क्यों नोटोरियस हैं। वाटर मोल्ड जो है वो आपको पता है कि हम वो माइकोट्स को कहते हैं और वो माइकोट्स में एक मेंबर है फाइटोप्थोरा इंफेस्टस जिसने आयरलैंड के अंदर एक इनफेमस इंसिडेंट हिस्ट्री के अंदर जो है वो क्रिएट किया तो वो आपने बताना है इसलिए इसको हम निटोरस कहते हैं खतरनाक है फाइटोप्थोरा आ गया इसको आपने बताना है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है और आयरलैंड के अंदर ये हुआ कि एक दफ़ा पोटैटो की जो ट्यूबर्स थे वो सारे के सारे जो थे वो गल गए थे यानी कि उन वो फील्ड के अंदर ही क्योंकि वहाँ पे ये हुआ कि रेनी सीजन आ गया जो वहाँ पे कूल समर थी ज़्यादा उस वजह से ये अनचेक फैला और इसने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो कॉज की और पोटैटो जो थे वो जमीन के अंदर ही गल गए जिसकी वजह से कह साली हुई और बहुत सारे लोग जो मर गए वो आपने स्टोरी पूरी लिखनी है। ऑटोफेगोसोम ऑटोफेगोसोम क्या है कि स्कैंडी लाइसोसोम को हम कहते हैं जब ये अपने ही पार्ट को डिजनरेट करता है जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑटोफेगी करता है तो उस वक्त ये ऑटोफेगोसोम कहलाता है। सिस्टर्नी और क्रिस्टी क्रिस्टी जो है इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी जो है वो मेम्ब्रेन्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कि उसको साइटोप्लाज्मिक चैनल से उसका जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलहदा करती है तो इनका आपने फर्क बताना। ऐसे ही फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दो फंक्शन साइट फॉर स्टोरेज भी आप लिख सकते हैं साइट फॉर केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है सेमी परमिएबल या पार्शली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है कुछ को अलाउ नहीं करती। तो आपने आंसर्स जो देने हैं वो क्लियर कट एक्सप्लेन करने हैं ताकि तमाम के तमाम एग्जामिनर जो है वो पूरे के पूरे नंबर आपको जो दे सके। पॉक्स ये जो स्मॉल पॉक्स है उसकी सूरत में फिलर फील्ड वेजिकल्स बनती हैं जो बाद में स्केयर्स बन जाते हैं वो आपने बताना है। स्टरलाइजेशन जो है जिसमें तमाम डिस्ट्रक्शन होती है माइक्रोब्स की वो मेथड है बायोलॉजिकल उसमें बैक्टीरिया के कंट्रोल में वो आपने बताना है।
ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने बताना है। ग्राम पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसका वायलेट डाई जो है उसको कलर कर देती है जबकि दूसरा जो है वो कलर नहीं करता, पिंक और पर्पल कलर जो उनका आपने बताना है साथ लाजमी। टेट्रेड फोर जो है जब बनते हैं तो टेट्रेड, और जब एट होते हैं थ्री टाइप थ्री साइड से जो है वो थ्री डायमेंशनल डिवीजन सेल डिवीजन होती है तो फिर उस सूरत में ये सारसीना यानी क्यूब ऑफ एट जब बनता है। बायोरिमीडिएशन क्या है? बायोरिमीडिएशन डिग्रेडेशन ऑफ प्लूटेंट है जिस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोरिमीडिएशन करते हैं, तो ये लाइकन में भी आता है, फंजाई के ग्रुप में भी है और ये पहले चैप्टर से भी है। वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे, सोशल बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे और फोर कैरेक्टरिस्टिक हाफ ऑफ मार्क का होगा तो वो आपको बता दें। लॉन्ग क्वेश्चंस में रूम जो है वो आपने एग्जामिनर को नहीं देना, मैक्सिमम हेडिंग और सब हेडिंग बनाएं हर क्वेश्चन की और फिर उसको एक्सप्लेन करें, जितनी ज़्यादा हेडिंग और सब हेडिंग होगी बोल्ड होगी कैपिटल में लिखें उसको अंडरलाइन करें जिस तरह से भी करें तो मैक्सिमम आप करें। ये देखें साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने हेडिंग में लिख दिया, ऐसे ही फोर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो है अब इसके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं तो फोर चाहिए मैंने सिर्फ दी हुई, आप इसको फोर कर लें कोई सी फोर, ऐसे ही टू टू फाइव किंगडम, पहले टू किंगडम बताएं फिर उसके बाद इनके ऑब्जेक्शंस बताएं फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ फंजाई फिर उसके बाद फाइव किंगडम जो है फिर उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन, ये सारा आप इसमें लिखेंगे। बायोलॉजिकल मैथड में जो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है जो सेट मेथोडोलॉजी है वहाँ से आप शुरू करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस उसके और तरीके, उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग फिर डिडक्शन है एक्सपेरिमेंट है फिर लॉ और उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक लॉज है। हाइपेटाइटिस की तमाम पहले हाइपेटाइटिस की डेफिनेशन देंगे फिर सिम्टम बनाएंगे और फिर उनकी हर टाइप जो है उसके और उसके जो सिम्टम्स हैं अगर दी हुई हैं और उसका ऑर्गेनिज्म जो वायरस है वो आप बताएंगे और फिर एंड के ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप इसके बताएंगे। प्लास्टर की डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे, उनकी अपीयरेंस बताएंगे, टाइप्स के नाम लिख देंगे और फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं। इसी तरह से फूड प्रोडक्शन जो है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस रोल है, इंक्रीज इन फूड के मेथड बताएंगे फिर उसके बाद कंट्रोलिंग डिजीज बताएंगे, उसमें एनवायरमेंटल हैजर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोपेस्टिसाइड आईडीएम यानी कि इंटरग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन कैसे होती है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की हेडिंग देंगे, फूड प्रेजेंटेशन जो है जिसमें पॉस्चराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में ग्रोथ डेफिनेशन बताएंगे, बाइनरी फिशन जो है रिप्रोडक्शन की टाइप है, फिर ग्रोथ की फेजेस हैं लॉग लैग स्टेशनरी और डेथ और फिर कंजुगेशन की जो है डेफिनेशन आप देंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहले आप बताएंगे प्रोटीन कितनी बनी हुई है, फिर उसका सीक्वेंस बताएंगे, फिर उसकी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बताएंगे, फिर ऑर्डर कैसे अरेंज होता है वो बताएंगे, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं, फिर दो एग्जांपल सिकल सेल हीमोग्लोबिन और इंसुलिन जो है उस दोनों की आप एग्जाम्पल्स उन्हों को देंगे और इसके बाद ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साइटोस्केलेटन में कंपोनेंट उसके बताएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और इनके हर एक की केमिकल कंपोजिशन और इनके फंक्शंस जो है वो आप बताएंगे। जो हमारा सेकंड है पेपर बी उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो बीटा है, सेकंड भी बीटा है, थर्ड का अल्फा है, फोर्थ का डेल्टा है, फिफ्थ का अल्फा है, सिक्स्थ का बीटा है, सेवन्थ का डेल्टा है, एट्थ का बीटा है, नाइन्थ का चार्ली है, टेंथ का बीटा है, एलेवेंथ का अल्फा है, ट्वेल्थ का चार्ली है, थर्टीन्थ का भी चार्ली है, फोर्टीन्थ अल्फा है, फिफ्टीन्थ जो है वो अल्फा है, सिक्सटीन बीटा है, सेवनटीन जो है वो अल्फा है। अब इसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें आपने जो डिफ्रेंसिएशन वाले कंपैरिजन वाले जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, ना सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है बेटा बल्कि आपने उनकी पूरी पूरी जो हिस्ट्री है
पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी है ताकि आपको नंबर जो है वो एग्जामिनर आपके ना काट सके बेटा, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर कटने शुरू हो जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके आधे से ज्यादा नंबर जो है वो कट जाएंगे। उसकी मेन वजह क्या है कि अगर आधा आधा नंबर कटता है तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 11 मार्क्स तो आपके कट गए, तो इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से, तो पैरा मिक्सोवायरसेस जो है ये आपने मम्स और मिजल्स के रेफरेंस से इसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग। साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम सिस्टम, नाम है सिर्फ आपने लिखना है, दोनों का बताएं, ठीक है, वेटकर का भी बताएं और मार्गुलस और शॉर्ट जो है दोनों का बताएं, क्योंकि दोनों ने फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इंसुलिन जो है उसके मुतालिक एफ सिंगर जो था उसने कहा 51 अमीनो एसिड एंड 30 और 21 अमीनो एसिड की चेंज होती है, उनके मुतालिक बताएं। आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है उसका एक्सप्लेन करें। फिर मेटाबॉलिज्म और नेम इट्स टू टाइप ऑफ द प्रोसेस के उसमें जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनका आपने जिक्र करना है। कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये आप एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी देंगे। एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये कहा गया कि हैंड ओवर करते हैं एक एंजाइम जो है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे एंजाइम जो है उसको हैंड ओवर करता है, क्योंकि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम का जो है वो सबस्ट्रेट होता है, तो इस तरीके से एक चेन बनती है, उस चेन को हम एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन कहते हैं। कोशलैंड ने 1959 के अंदर जो मॉडल पेश किया था उसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं, उसका आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स यानी कि ई एस जो कम्प्लेक्स बनता है वो आपने इक्वेशन लिखनी है और उसमें उसको एक्सप्लेन करना है। कोफैक्टर और मेंशन, कोफैक्टर जो है उसको आपने बताना है, डिफाइन करना है कि ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है और ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और ये ब्रिज का काम करता है, वो सारे आप लिखते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला ही जो पैरा है उसमें उसकी इम्पोर्टेंस भी है कि अगर एंजाइम नहीं हो तो रिएक्शन इतने स्लो होंगे और जिंदगी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। एक्टिवेटर नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये डिटैचेबल कोफैक्टर होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइमिक पार्ट यानी प्रोटीन के साथ। एट्थ जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 8 आपने करने होते हैं बेटा। यूक्लिना इज डिफिकल्ट टू क्लासीफाई क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ है इसलिए प्रॉब्लम थे वो डिस्कस हुए हुए हैं, ठीक है। और फिर इसमें हेटरोट्रॉफिक यूक्लिना भी प्रेजेंट है जो कि अपनी फूड जो है वो इंजेक्शन करते हैं। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस जो है पहले पेपर में भी हमने डिस्कस किया कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है आयरलैंड के अंदर एक इनफेमस वाकया हुआ था और उस वजह से ये फेमस है कि कहसाली हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। स्लाइम मोल्ड जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि उसका जो मेंबर है उसको हम डिफ्रेंशिएशन के लिए, ग्रोथ के लिए और दूसरे जो मेटाबॉसेस हैं बॉडी के अंदर उनको स्टडी करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड जो है उसकी आपने इम्पोर्टेंस जो है वो इस रेफरेंस से लिखनी है कि उसमें आपने उनका जो बताना है कि उसका मेंबर है फाइसेरियम पॉलीसेफलम जो है उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन वगैरह जो है वो उसकी बेस पे स्टडी किए गए थे। SE2 बेनिफिट ऑफ एलजी इम्पोर्टेंस लिखनी है उसकी। क्लोरोफाइटा जो है उसको डिस्कस करना है, वो 4 पॉइंट्स हैं, पिगमेंट है, रिजर्वोर मटेरियल है, सेल वॉल है और RNA सीक्वेंसिंग है यानी कि मोनोफिलेटिक लाइन जो है उसमें आती है। सीलिया डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ, तो बेटा ये माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई जो हैं उनके रेफरेंसेस वाल है, तो ये डिफरेंस है बाकी प्रोटोजोआ से क्योंकि इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन ही ये है माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस का। ज़ूओफ्लैजेलेट गिव 1 एग्जांपल, तो ज़ूओफ्लैजेलेट्स जो है जिनमें फ्लैजेला आता है उसके 2-3 करेक्टरिस्टिक लिखें और फिर कोई सी एग्जाम्पल ट्राइकोनिम्फ की या ट्राइपैनोसोमा वगैरह की कोई एग्जाम्पल दें। कंजेंटल डिजीज गिव 1 एग्जाम्पल, तो बेटा स्टोरेज डिजीज जो हैं उनको हम कहते हैं, उसकी स्टोरेज डिजीज जो है वो लाइसोसोम वाले टॉपिक से है, आपने उसकी
एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने एक डिजीज जैसे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 या कोई और। पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम आपने बताना है कि राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं विद मैसेंजर आरएनए के एक स्ट्रैंड के साथ, और इसमें मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरईआर और एसईआर, आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ सर्फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें सर्फेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, उधर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। फिर दोनों के फंक्शन आपने बता देने के, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है एसईआर, और वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आपने वो साइटोसिस एंडोसाइटोसिस की टाइप्स हैं वो आपने दोनों जो है वो डिस्कस करनी है। इसके बाद हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक है, फूड वाला जो टॉपिक है उसमें से ये आया हुआ है कि ये क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और फिर ये बताना है कि टेक्निक क्या है। तो टेक्निक क्या है? पानी के अंदर हम एरिएटेड वाटर में जो है प्लांट ग्रो करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज का पता चले। IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है उसमें हमने बताना होता है कि तमाम जो बीमारियां हैं जो कि खतरनाक होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं और रेलिवेंट मेथड यूज़ करते हैं, तो वो डेफिनेशन आपने दें। पाश्चराइजेशन, लुई पाश्चर का बताना है और उसकी डेफिनेशन देनी है। बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं वो एक ही लाइन है कि बैक्टीरिया को हम बायोपेस्टिसाइड के लिए यूज़ करते हैं। बायो रिमीडिएशन जो है डिग्रेडेशन ऑफ प्लूटेंट है और इसमें एलजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बाद साथ साथ लाइकन जो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर सिम्टम्स ऑफ एड्स आपने बतानी है, ऐसे ही लॉग और लैग फेज जो है उसमें आपने डिफरेंस बताना है। प्लाज्मिड एक नंबर का होगा और एक नंबर उसकी इम्पोर्टेंस। आप देखें जितने भी क्वेश्चन हैं तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन हुए हैं जो डिफ्रेंसिएशन के हैं या जिनमें दो चीज़ें पूछी गई हैं और उनके आप दोनों का अलग अलग बताएंगे तो आपका जो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर और सिस्ट का आपने बताना है, स्पोर जो है वो कब बनता है, सिस्ट कब बनता है, और स्पोर जो है वो किन चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, सिस्ट जो है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले आपको बताया बेटा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में हेडिंग और सब हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है कि आपके नंबर पूरे आने हैं या तीन नंबर आने हैं या हाफ थ्री एंड हाफ या टू एंड हाफ आने हैं। तो जितनी ज़्यादा आपने हेडिंग्स दी होंगी उतने ही ज़्यादा आपके नंबर्स होंगे। सब हेडिंग्स जरूर दें, उसके साथ साथ जैसे आप देखें फ्लैजेला की क्लासिफिकेशन है बेस के ऊपर, तो पहले फ्लैजेला को बताएं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की बेस बताएं, उनके अलग अलग उनको एक्सप्लेन करें, डायग्राम बनाएं और फिर फंक्शन ऑफ फ्लैजेला जो है वो लिखें। ऐसे ही लिपिड्स के फंक्शन है तो उसकी हेडिंग बनाएं और उसको एक्सप्लेन करें। फंक्शन ऑफ प्रोटीन तो उसके सिक्स जो फंक्शन हैं वो बताएं, ऐसे ही सिक्स या सेवन बाद हम एट भी बना लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस डायग्राम बना के इनको तमाम जो हेड्सा बैडिंग्स हैं इनको एक्सप्लेन करें। इसी तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसकी भी आप डायग्राम बनाएं, फिर उसका तमाम जो है वो स्टेप वाइज जिन हेडिंग और सब हेडिंग्स उसको एक्सप्लेन करें। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है और ये रूल्स इसके क्या हैं ये सारे मैंने दिए हुए हैं हेडिंग्स में, ये आप करें इसी तरीके से। एट्थ क्वेश्चन करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, जहाँ भी पॉइंट्स बन सकता है या हेडिंग बन सकती है वो आप जरूर बनाएं। इसी तरह से जो करैक्टरिस्टिक है फिर ब्रांचेज हैं तो उनकी डेफिनेशंस लिखें और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल बैक्टीरिया है वो आप बताएं, फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, फिर उसकी हेडिंग और सब हेडिंग, फिर मोड ऑफ एक्शन उसमें बायोसिडियल और माइक्रो बायोस्टेटिक इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करें। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या है, इसमें सिर्फ हेडिंग बता दी गई है, उन हेडिंग के तहत आपने लिखना है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और फिर उसके बाद थ्योरी है और लॉ है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का बेटा, जितना पेपर जो है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग ज़्यादा होंगी उतने ही आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुशोकर्म रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अनायत करे और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप बायो में लें। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।